हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 30 है, जिसमें कि हम पावर फंक्शन यानी पावर फंक्शन पे वर्क करना सीखेंगे। आई होप आप लोगों को पावर निकालने अपने वैल्यूज की आती होगी, तो वही हम पाइथन में किस तरह से फंक्शंस का, जो इसका इनबिल्ट फंक्शन है, यूज़ करते हुए उस फंक्शन का किस तरह से हमारी दिए गए डिजिट्स का हम पावर निकाल सकते हैं, वो हम पावर फंक्शन के थ्रू यूज में ले सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या है पावर फंक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दी पावर फंक्शन रिटर्न्स दी वैल्यू ऑफ एक्स टू दी पावर ऑफ वाई, है ना। ये हमारे पावर कितनी लगाई है, जो भी हमने लगाई है उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्स की वैल्यू क्या करवाता है, शो करवाता है। फॉर एग्जांपल हमें 2 की पावर 2 यूज में लेते हैं, तो 2 की पावर 2 निकालते हैं, हमारे सामने 4 आ जाता है। तो ये हम पावर फंक्शन के थ्रू किस तरह से निकाल सकते हैं पाइथन में, यही हम देख रहे हैं, ठीक है। इफ अ थर्ड पैरामीटर इज प्रेजेंट, इट रिटर्न्स एक्स ऑफ द पावर ऑफ वाई मॉड्यूलस जेड, यानी अगर हमारे पास 3 पैरामीटर, एक और पैरामीटर है जिसको कि हम जेड कहते हैं, वो किस तरह से होगा। जैसे कि हमने 1 की पावर निकाली और रिमेनिंग हमारे पास जो भी मॉड्यूलस बचता है वो हमें शो रिजल्ट में हो जाता है, और वो किसके थ्रू होता है, हमारे जेड वैल्यूज के थ्रू होता है। एक्स की पावर वाई तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से हमने निकाला, और थर्ड पैरामीटर हमारा किस तरह से होगा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, पी ओ डब्ल्यू एक्स, एक्स की पावर वाई हमें लिखनी है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 लेनी है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो एक्स की पावर वाई हमारा हो गया। जेड अगर हमें उसका मॉड्यूलस भी निकालना है कि कितना रिमेनिंग रहता है, तो वो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। सबसे इसके बारे में डिटेल देखते थे, हमारे जो पैरामीटर्स दे रखे हैं हमने, एक्स अ नंबर दी बेस, जो कि जिसका कि हमें मॉड्यूल निकालना है, पावर वाई अ नंबर दी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट नंबर्स है ये वाई हमारा, जितनी की हमें पावर निकालनी होती है, ठीक है। जेड ऑप्शनल है, ये तो रिक्वायर्ड रहेंगे आपके, और ये ऑप्शनल है। अ नंबर दी मॉड्यूलस, यानी एक नंबर है जो कि हमारे मॉड्यूलस को डिफाइन करवाता है। तो चलिए अब इसका हम हमारे आइडियली पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारा आइडियली हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा पावर फंक्शन का यूज करना देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल ले लिया और हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसा कि हमारा सिंटैक्स बताया गया था, पावर लिखना है हमें और हमें हमारा एक्स एंड वाई डिटेल्स देनी है। तो एक्स कैसे देंगे हम, मान लीजिए 3 की पावर निकालना चाहते हैं, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, एक्सपोनेंट हमने वैल्यू दे दी 3, ठीक है। अब हम इसे क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे क्योंकि ये फाइल मैंने पहले सेव कर रखी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे max.py, आपको नेम दिख रहा है फाइल का, तो इसलिए वापस सेव नहीं करेंगे। अगर हमने कुछ एडिटिंग करी तो हम केवल कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। F5 से रन करते हैं तो देखिए ये हमें मिल रहा है 27, यानी 3 की पावर 3 हमारा क्या रिजल्ट आ गया, हमारे सामने 27 आ गया। यानी पावर फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी हम वैल्यूज दे रहे हैं उसके एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे रहा है, और यहाँ पे हम डिवाइड करवाते हैं 2 से, ठीक है। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 से रन करते हैं। अब हमारे पास मॉड्यूलस क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है। कैसे, देखिए 3 की पावर जब 3 यूज में लिया गया तो हमारे सामने रिजल्ट आया 27, है ना। अब 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 तक तो हमारा पूरा चल जाएगा, और हमारा मॉड्यूलस रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारा बताता है थर्ड जेड की वैल्यू, ये किसके अकॉर्डिंग है हमारा, देखिए प्रिंट करते हैं हम। अगर हम ये लिखते हैं कि 3 पावर 3, ठीक है, और रिमाइंडर किससे हो जाए हमारा 2 से, ये रिमाइंडर ऑपरेटर का हमने यूज करा, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं हम, F5 से रन करते हैं। तो देखिए 1 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है हमारे सामने, 3 की पावर 3, 27, और 27 में 2 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, जो डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, हमारे पास 1 बच रहा है। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। और करके देखते हैं, हम यहाँ पे 4 की पावर देते हैं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, 4 की पावर 2 टाइम्स 4 16, एंड 16 में 2 का डिवाइड करेंगे, अगर हम कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, F5 से रन करते हैं, तो देखिए हमारे सामने क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 2 का जब डिवाइड हम 16 में करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, जबकि नीचे हमने देखा यहाँ पे हमारा 3 का 27 था, और रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा था, वो हमें यहाँ रिजल्ट में मिल गया। तो ये पावर फंक्शन के थ्रू हम इस तरह से रिमाइंडर्स भी देख सकते हैं कि पावर्स के बाद अगर हम किसी से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर क्या वैल्यू हमारे सामने
शो होती है। तो ये होता है हमारा पावर फंक्शन। आई होप सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पावर फंक्शन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किसी वैल्यू के एक्सपोनेंट के साथ हम वर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम उसे किसी से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर जानना चाहते हैं तो वो भी हम किससे जान सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में पावर फंक्शन के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।